सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आज जो क्लास है वो क्लास नंबर है आपका 16। इसका मतलब डेली 50 क्वेश्चन होता है, इसका मतलब ये होता है कि 800 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं एनटीपीसी ग्रुप डी और आरआरबी जेईई को लेकर। टारगेट यही लेकर चल रहे, एग्जाम तक कम से कम आपके पास 4000 से 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास रहे, ठीक है। मान लो, और एक बात, डेली आपको जज करना है कि आप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। मान लो आपके 50 में 40 सही हुए, 10 गलत हो गए, तो 10 क्वेश्चन आप इंस्टेंट सीखिए। यही एक अच्छा टारगेट है कि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, मैथ का क्लास हो चुका है शाम को 6 बजे, जाकर देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। रीजनिंग का रात को 10 बजे होगा और ये आपको डेली मिलता है। और करेंट अफेयर डेली सुबह में 4:30 बजे मिलता है इंपॉर्टेंट पीडीएफ के साथ। करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टारगेट यही है, अगर 10 नंबर का आता है एग्जाम में तो 8 से 9 नंबर आप इजिली स्कोर करो। अगर आप डेली फॉलो करते हैं तभी ये पॉसिबल है। अगर एक हफ्ता में कुछ चुने हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे और उम्मीद लेकर जाएंगे इतने में फंस जाएगा तो नहीं है, डेली आपको इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और पहले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। और आपको जज करना है, आज आपको डेली जज करना है कि 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, जो जया है, जया जया क्या है, एक किताब है, उसके लेखक कौन है, उसके ऑथर कौन है, उसके रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवदत्त पटनायक। जो जया का लेखक है वो कौन है, देवनाथ और देवदत्त पटनायक। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, यात्रा, जो एक पॉपुलर फोक थिएटर है, यानी जो यात्रा है किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय लोक थिएटर है, कौन से राज्य का है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है, श्रीमती ममता बनर्जी, ठीक है। और यहां का जो राजधानी है वो क्या है, कोलकाता है वेस्ट बंगाल का। और एक बात मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो कौन है, केसरीनाथ त्रिपाठी। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार का पहला, मतलब आपको बताना है कि 1954 में पहला जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न, वो किसको दिया गया था, ठीक है। तो सभी को पता है ऑलमोस्ट, ऑप्शन नंबर सी, सी राजा गोपाल आचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इंडिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, देखो यहां पर क्या बोला है, सबसे बड़ा भी और सबसे पुराना भी जो संग्रहालय है, यानी म्यूजियम जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। सभी को पता है ये आपका न्यू मार्केट यानी एक्सप्लेनेड के पास पड़ता है कलकत्ता में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, कौन सा जल स्रोत भारत को श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र से अलग करता है, कौन सा आइसलैंड है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन अधिकांश बहुत सारे सेट में आपको देखने को मिलेगा, तो बोल सकते हो रेलवे स्पेशल क्वेश्चन, RSQ। बोला है जो इदुकी डैम है केरला में, वो किस नदी में बनाया गया है, किस नदी के तट पर, आप बोल सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पेरियर, ठीक है। अगला जो अगला क्वेश्चन है, खाकरपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो स्टेशन है वो कहां पर है, तो ये ऑलमोस्ट सभी को पता है। 7 नंबर का आंसर जो है वो है आपका गुजरात। 7 नंबर का आंसर क्या है, वो है हमारा गुजरात। गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर, वहां पर सीएम कौन है, विजय रूपानी, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुरुंद कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, 8 नंबर, तो सभी को पता है फुटबॉल। और ये सारे क्वेश्चन कहां से लिए गए, सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए जितने आपके पिछले वर्ष के एग्जाम हुए हैं, लास्ट जितने तक सारे सेट के क्वेश्चन है, तो आप कोई सा भी सेट खोलोगे तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की,
एरिटेरिया का जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो कौन सा है? तो जो एरिटेरिया का जो मुद्रा है वो है आपका नक्फा। क्या है? नक्फा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में विज्ञापन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसको बताना है। तो ऑलमोस्ट सभी को पता है डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं आपका दिल्ली के, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जिनके पास है, वो किसके पास है? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश मौर्य का उत्तराधिकारी बन गया है? 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगुस, ठीक है, सुंग बोलते हैं इंग्लिश में, संगैस। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अ सोर्स ऑफ द एंजाइम पैटालिन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम टर्लिन का स्रोत है, ये आपको बताना है। पैटलाइन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम पैटालिन का स्रोत है? 12 नंबर क्वेश्चन है, और ये तो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में भी रिपीट हुआ था 2018 वाले एग्जाम में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य राजवंश का हिस्सा नहीं था, कौन सा मौर्य डायनेस्टी का पार्ट नहीं था? 13 नंबर में आपको यह बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। 14 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर एंड पोरस की जो लड़ाई हुई थी, जो बैटल हुई थी, वो कहां पर हुई थी, ये आपको बताना है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है और सभी को पता होगा इसका आंसर, इसका आंसर है हाइडा स्पेस, कहां? हाइडा स्पेस में। चलो 15 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, और ये तो आप बोल सकते हो रेलवे स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो है 15 नंबर, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। और एक बात, कॉमन क्वेश्चन है और इसको आप इजी क्वेश्चन भी बोल सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन बोल सकते हो, सभी को 100% आंसर चाहिए इसका कमेंट्स में। और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्या। क्या होगा? कौटिल्या के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर प्रसिद्धि रूप में रूप से हेरिंग तालाब के रूप में जाना जाता है, हेरिंग पोंड के नाम से कौन सा ओशन जो है, कौन सा महासागर है जो जाना जाता है? तो वो है अटलांटिक ओशन, यानी अटलांटिक महासागर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोहन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है, फेमस किस चीज के लिए है ऑटोहन, आपको बताना है 17 नंबर का आंसर। तो वो है आपका एटम बॉम्ब के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ये सभी को पता है, और एटम बॉम्ब का जो आविष्कार है वो इन्होंने किया था, ठीक है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन है, पेरेग्वे जो एक कंट्री है, जो एक देश है, उसका कैपिटल सिटी क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है, और पेरेग्वे का जो कैपिटल सिटी है वो है आपका क्या? चेक रिपब्लिक। सऊदी अरेबिया तो होगा नहीं, नॉर्थ कोरिया भी नहीं होगा, और आपको पता है त्रिनिदाद एंड टोबैगो तो आपको पड़ता है वेस्ट इंडीज वाले एरिया में, तो ये भी नहीं होगा। तो चेक रिपब्लिक का जो पेरेग्वे है वो राजधानी है, याद रखिएगा, चेक रिपब्लिक का जो राजधानी है वो क्या है? पेरेग्वे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 नंबर, और ये है आपका 5 साल। सभी को पता है 5 साल के अंतराल पर एक बार आपका लोकसभा यानी एमपी के लिए इलेक्शन होता है, सांसद के लिए, जैसे आपका अभी होने वाला है 19 में। और मैं बार बार बोलता हूं, आपका जो भी आप वोट देने जा रहे हो, आपका एक वोट बहुत कीमती है, एक वोट से देश बहुत आगे जा सकता है। कभी भी वोट देने जाना तो हमेशा सोचना देश में प्रॉब्लम है क्या, देश में असली मुद्दा है क्या, किसान, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है, आप ऐसे सोचो ना, आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट, एक वोट देश को बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, आपको बताना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गैजेट, ठीक है, बंगाल गैजेट। और इसके बारे में कुछ मैं आपको बता भी दूं, जो बंगाल गैजेट सबसे पहले पब्लिश हुआ था वो 1780 में हुआ था, कब हुआ था? 1780 में हुआ था, ठीक है, बंगाल गैजेट।
चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि नियासिन की कमी का क्या कारण है। आपको बताना है नियासिन जो है डिफिशियंसी उसका कारण क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर है इसका प्लेग्राफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस हिस्से से कपास फाइबर प्राप्त किया जाता है, यानी कॉटन फाइबर, जो रुआ बोलते हैं ना, रुआ बोलते हैं हम लोग ना नॉर्मल भाषा में, रुआ रुई, जो रुई है वो पौधे के किस पार्ट से निकलता है। तो इसका आंसर है, आपको लग रहा होगा भैया सीड्स लीव्स पत्ते से, नहीं, इसका आंसर होगा फल। एक आपने अगर रुए का पेड़ देखा होगा तो आपने देखा होगा वो उस पेड़ का जो फल वाला पार्ट है ना, जहां से फल निकलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, फल। अगला क्वेश्चन है कि टिबिया कहां पाया जाता है, वेयर फाउंडेड, कहां पर यह पाया जाता है, 23 नंबर क्वेश्चन है। तो आपने पता होगा जो टिबिया है वो पैर में अक्सर, ठीक है, कहां, लेग होगा, ऑप्शन नंबर डी लेग। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ रूट आर हैंगिंग स्ट्रक्चर इन अ बनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ में लटकने वाले जो है वो किस तरह की जड़े हैं, ये आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको बोलते हैं प्रॉप रूट, यानी प्रॉप जड़ो, ठीक है, प्रॉप जड़ बोलते हैं उसको। 25 नंबर क्वेश्चन है आपको बताना है फिजिकल क्वांटिटी क्या है इलेक्ट्रिकल इसका, तो ऑलमोस्ट सभी को इसका आंसर पता है, उसको बोलते हैं हम लोग सीमेंस, क्या, सीमेंस, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, और एक बार अपने आप को बार बार बोल रहा हूं जज करिएगा कि आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है पौधों के भौतिक स्वरूप को, बाहरी जो संरचना है उसका अध्ययन को क्या बोलते हैं, यानी फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, वो ये है एएसपी इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर, यानी एएसपी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी क्या है, यानी एएसपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो है आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अगले, सोडियम टेराबोरेट डिहाइड्रेट का जो सामान्य नाम है, कॉमन नेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अधिकांश बहुत सारे सेट में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा क्या, बोरेक्स। चलो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निमोनिया जो रोग है, जो निमोनिया रोग है ना, वो कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी आपको बोलना है जो निमोनिया है उससे कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होगा लंग्स, फेफड़े में, इसके कारण फेफड़े में क्या होता है, इंफेक्शन आ जाता है। अगला क्वेश्चन, जो पल्स दाल, दाल निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है, आपको बताना है, और 30 का जो आंसर है वो है आपका प्रोटीन। एक ऑलमोस्ट सभी को पता है दाल ज्यादा खाने से प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो जिम वगैरह करते हैं उन्हें पता होगा, डाइट में वो जरूर लेते होंगे ये सब चीज। अगला क्वेश्चन है कि जिया मेस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, 31 नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर है आपका कॉर्न, यानी मक्का। मक्का को क्या बोलते हैं, मक्का का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, जिया मेस। चलो 32 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो घटता है, ऊंची ऊंचाई पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है क्यों घटता है, आपको बताना है ये किसके कारण घटता है। ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन है, अच्छे से पढ़िए, टाइम लीजिए, लेकिन सही आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपको जज करना है कितने आंसर आप सही दे पा रहे हैं आउट ऑफ 50। और 32 का जो सही आंसर है वो है बी, बिकॉज ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण जो है बॉइलिंग पॉइंट है जो है ऑफ वाटर क्या होता है, वो हमेशा घटता रहता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, वाटर टर्बाइन का आविष्कार किसने किया था, यानी वाटर टर्बाइन का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है 33 नंबर क्वेश्चन में, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बेनोइट फोरनेरोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, अहमदाबाद को और हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है। चलो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका बोस्टन ऑफ इंडिया, और एक बात, अहमदाबाद को हम लोग अक्सर ये भी बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, और बोस्टन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। 34 नंबर का आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलो 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हीरे की खान कहां पाई जाती है, 35 नंबर, ये पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में, कहां पर, मध्य प्रदेश में पाई जाती है भारत में हीरे की खान, और मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है, भोपाल है, वहां के सीएम कौन है, कमलनाथ,
और वहां के राज्यपाल कौन है, आनंदीन बेन पटेल। अगर डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं सुबह 4:30 बजे वाला सक्सेस की 98 का, तो ये सब आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन है, सामान्य गिरावट दर क्या है, यानी नॉर्मल लैप्स रेट क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़िए देखिए, ताकि आपका जो आंसर है जो आप कमेंट्स में दे रहे हैं वो गलती ना हो, वो सही होना चाहिए। यही तरीका है अपने आप को जज करने का। तो जो सामान्य गिरावट दर है वो क्या है, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीज हाइट। ठीक है, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्थान देश है, वो कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल एरिया के मामले में, इंडिया कितने नंबर पर है। तो इंडिया जो है वो 7वें स्थान पर है। कितने पर, 7वां स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हेमोग्लोबिन का मतलब प्राइमरी जो है वो कार है, सबसे ज्यादा जो हेमोग्लोबिन है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है आपको बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो जो हेमोग्लोबिन का जो कार है वो काम क्या करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या, हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन का फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, अक्सर आपने क्लास 10 के एग्जाम क्वेश्चन क्लास में तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही पढ़ा होगा, जो हेमोग्लोबिन का जो कार्य है, जो प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कि किस नदी को तिब्बत में तसंगपो के रूप में भी जाना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, तो इसका आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र। कहने का मतलब है कि जब ब्रह्मपुत्र जब इंडिया से गुजरते हुए चाइना वगैरह में जाती है तो उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कि एशिया में विश्व जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत केंद्रित है, परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यहां बात कर रहा है जनसंख्या की, वो एशिया के बारे में आपको बताना है, पूरा वर्ल्ड का जो एशिया महाद्वीप है वो कितना प्रतिशत मतलब कवर करता है जनसंख्या, पॉपुलेशन आपको ये बताना है 40 नंबर क्वेश्चन में। तो वो कवर करता है आपका 58%, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बादल में उनके कम होने के कारण वातावरण में जो तैरात है वो किसके कारण होता है आपको बताना है। तो ये होता है आपका डेंसिटी के कारण, किसके कारण, ऑप्शन नंबर डी, डेंसिटी के वजह से। 42 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, 4 ऑप्शन है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको बोल सकते हो रेलवे स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि अधिकांश सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसका आंसर है आपका जुपिटर यानी बृहस्पति। चलिए ये था 42 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वर और संगीत उनके में भिन्न है, मतलब डिफर क्या है दोनों में आपको बताना है, नॉइस और म्यूजिक में। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो पिच का, पिच। ठीक है, क्या होगा, दोनों में जो अंतर है, जो भिन्न है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी, विच, पिच। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पिच। अगला क्वेश्चन है, हिमालय को और किस नाम से भी हम लोग जानते हैं, हिमालय आर ऑल्सो नॉन एस, ऑप्शन आपके पास 4 है, तो हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी शरीर को इसे रगड़ कर चार्ज किया जाता है तो उसका वजन क्या होता है आपको बताना है। इफ द बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग यानी रगड़ कर, तो उसका जो वेट है वो क्या होगा आपको बताना है, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा कम हो जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु जो थे वो किसके पुत्र थे आपको बताना है, अजातशत्रु जो है वो किसके पुत्र है, तो वो थे पुत्र आपके बिंबसारा के, किसके, बिंबसारा। अगला क्वेश्चन है अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एक हिलने वाला शरीर से आपको क्या लगता है, इस 4 ऑप्शन में उससे जुड़ा हुआ कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। एक बार ऑप्शन सही से पढ़िए और आंसर सही देना है, क्योंकि एक गलत आंसर भी आपका बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, जितने भी सही कर रहे हैं उसमें से नंबर आपका कटेगा, तो ऐसे आपको सोचना है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, जिन्होंने बी दिया है वो 1 नंबर गेन करेंगे और जिन्होंने गलती किया है उनका 1/3 नंबर कट होगा सही में से। तो इंपॉर्टेंट समझिएगा अपने क्वेश्चन का, भारत का संविधान अपनाया गया था
आपको बताना है किसके द्वारा, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाई, आपको 48 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बटर पेपर जो है वो किसका एग्जांपल है, किस जो मक्खन कागज है वो किस वस्तु का उदाहरण है, 49 नंबर क्वेश्चन है, और ये जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी, एक पारदर्शी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, जिस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है वो कौन सा है, आपको बताना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, तो इसका जो आप लोग देखो इसका क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 50 क्वेश्चन, अब आपने 50 क्वेश्चन का सेट दे दिया है, आपने देखा होगा कि 50 में आपके कितने सही हुए हैं। डेली आपको 8:30 बजे सोमवार से शुक्रवार अपने आप को जज करना है, और जितने क्वेश्चन गलती हुए आप एक बार उसको नोटिस कर लीजिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, और इस क्लास का सारा पीडीएफ आप लोग successkey98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले एक बार आप इसका रिवीजन भी अच्छे से कर पाए। सो अगला क्लास जो है वो हमारा रीजनिंग का होगा, रात को 10 बजे लाइव। सो एवरीवन, थैंक यू।